क्या सही मौसम है घूमने के लिए। और भाई एक मिनट, ये क्या था भाई मेरे मुंह पे आके ये आपका गोला फटा, कैसे पॉसिबल है? तुम यहाँ पर देखो कितना सही मौसम था और अचानक से यहाँ पर ऊपर से गिर रहे आगों के गोले, भाई मेरे मुंह पे फटता भी वो आग का गोला। बट तुम यहाँ पर देखो भाई, लॉस सैंटोस में इतना अच्छा मौसम था बट ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक खौफनाक मंजर तुम यहाँ पर देख सकते हो। और भाई साहब ये आगों के गोले जो ऐसे बरस रहे ना, ऐसा लग रहा है बारिश गिर रहे। भाई साहब फटाफट निकलो घर की तरफ, पता नहीं क्या हो रहा है लॉस सैंटोस में, अचानक से ये हो गया भाई। मेरे को लग रहा है ना पृथ्वी का अंत आने वाला है यहाँ पर, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को न्यूज सुननी पड़ेगी तब जाके पता चलने वाला है कि लॉस सैंटोस में ये बारिश कैसे हो रही है। मैंने बारिश देखी है, बर्फ की बारिश देखी, बट भाई मैंने फर्स्ट टाइम आगों की बारिश देखी। ये देखो मेरे मुंह सब मेरे सामने वो बंदा जल के राख हो गया। ओ भाई साहब अभी कैसे बचूंगा मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिंचन घर पे अकेला है, फटाफट गाय सिंचन की तरफ चलते। ये देखो गाय सामने आके गिर रहे मेरे आग के गोले। भाई यार ये कैसे पॉसिबल है यार, लॉस सैंटोस में ये कैसे हो सकता है भाई। तुम यहाँ पर देखो कितनी खतरनाक डेंजर सीन है, तुम्हारा देख के रुक आप जाएगा। ओ भाई साहब क्या बचाऊ मैं यार, मैं भी गिरता उसके साथ। ये देखो भाई यार, मतलब कैसे हो सकता है तेरी तो। ओए 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 भाई साहब ये देखो कितना ही डेंजर सीन तुम लोगों को दिखाई दे रहा, आग के गोले यहाँ पर बरस रहे। लॉस सैंटोस की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली आने वाले समय में को लग रहा है। बट यार क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ अपन कर सकते हैं, वरना तो भाई अपन नहीं बच पाएंगे। पता करते कि एक्चुअल में हुआ क्या, उसके बाद अपन देखेगी कैसे अपन इससे निपट पाएंगे कि भाई अपन सेफली रह सकते हैं इस लॉस सैंटोस के अंदर। अभी तो मैं घर के पास आ चुका हूँ, देखो मेरी गाड़ी थी वो जल के राख हो गई है। बे यार ये बहुत ही महंगी वो मेरी कार थी, बड़ो जल गई है। बट राइट नाउ तुम देख सकते हो वो जो आग के गोले थे वो रुक चुके। ये कैसे पॉसिबल है यार, मतलब अभी आग के गोले बढ़ रहे थे बट यहाँ पर नहीं हो रहा है कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, सिंचन कहाँ पर, सिंचन कहाँ पर है? अरे फैंकी भाई यहाँ पर आओ, देखो टीवी में क्या न्यूज दिखा रहा है, बहुत ही खतरनाक गॉडज़िला आ चुका है हमारे लॉस सैंटोस में। फटाफट आओ यहाँ पर, टीवी चालू करो फिर से देखो न्यूज के बारे में। हाँ रुक सिंचन चालू करते, देखते क्या हो रहा है। बे गाइस ये देखो लॉस सैंटोस में गॉडज़िला आ चुका है, जो कि भाई सब समुन्द्र से आया और यहाँ पर वो अटैक कर रहा है लोगों के ऊपर। इसी के वजह से ये आग का गोला आ रहा है, जो इसके अंदर पावर है ना उसके वजह से ये आग का गोला बरस रहा है यहाँ पर लॉस सैंटोस के अंदर। भाई साहब बहुत ही खतरनाक गॉडज़िला लॉस सैंटोस में आ चुका है, और इससे बचेंगे कैसे सिंचन? अरे फैंकिंग भाई मेरे को तो बचा लो, मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है ये देखने के बाद तो। अबे सिंचन रिलैक्स रिलैक्स, कुछ तो करेंगे अपन भाई, वरना ये तो लेने के दे पड़ जाएंगे अपने। मेरे को एक आइडिया आ रहा है, इनसे निपटने के लिए अपने को एक ही इंसान मिल सकता है, वो है लेस्टर। बट ये देख भाई साहब इसके वजह से ये बारिश हो रही है आग के गोले की, इसको भाई अगर निपटाया नहीं तो ना भाई लॉस सैंटोस भी खत्म कर देगा। और ये धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा है, देख रहा है तू सिंचन टीवी में दिखा रहे लाइव, ये अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। भाई सिंचन बहुत ज्यादा डर लग रहा है, भी काम कर तू घर से बाहर न निकलना। तो ये देख भाई बहुत ही खतरनाक सीन है, भागते हुए अपने घर की तरफ आ रहा है, तू भाई घर के अंदर ही छुपे रहना, बाहर मत निकलना। तो मैं काम करता हूँ लेस्टर से बातें करता हूँ, देखता हूँ गाइस लेस्टर क्या हमारी हेल्प कर सकता है। तो गाइस राइट नाउ टीवी मैंने बंद कर दिया क्योंकि भाई वो बहुत ही खतरनाक सीन दिखा रहे थे लाइव चैनल पे। तो राइट नाउ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, कैसे हम इसको निपट पाएंगे? तो यार एक ही इंसान है जो मेरी हेल्प कर सकता है, वो है लेस्टर। मैंने उसको कॉल किया और वो भी बहुत ज्यादा डर गया, बट वो लग पड़ा है कि भाई कैसे हम इसको निपटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरी कार जल के राख हो चुकी है, बट राइट नाउ मेरे को वो गॉडज़िला से निपटना पड़ेगा। गॉडज़िला से निपटने के लिए लेस्टर ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया, तो उसने बोला फटाफट मेरे घर पे आ जाओ, वरना वापस से जो बारिश है ना आग की गोले की वो चालू हो जाएगी। तो गाइस राइट नाउ हम आ चुके उसके घर के बाहर, और यहाँ पर भी अभी शांति है, जो आग के गोले वो बरस नहीं रहे। ये अच्छी बात है कि अभी अपन यहाँ पर सेफ्टी से पहुंच चुके। इसके घर के अंदर चलते और देखते कि एक्चुअल में इसने क्या प्लान बनाया जिससे अपन वो गॉडज़िला को मार सकते, वो गॉडज़िला को फिनिश कर सकते। तो लेट्स गो, यहाँ पर कैमरे में उसने देख लिया है, दरवाजा खोल चुका है। लेस्टर कहाँ है? लेस्टर लेस्टर और यार फ्रैंकलिन फटाफट यहाँ पर आ, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, मेरे को एक आइडिया मिल गया उसको निपटाने का। मेरे पास ना एक टैंक का इंतजाम हो चुका है, तेरे को जाके वो टैंक लानी पड़ेगी। तो जैसे तुम लोगों ने सुना मेरे को जाना है मिलिट्री बेस, बट फिर से वो चालू हो चुका है बारिश यहाँ पर आग के गोले की। तो मैं कह रहा था हमको जाना है मिलिट्री बेस, वहां पर हमको एक कर्नल मिलेगा, उससे जाके बात करना, उसके बाद देखने क्या करने, क्योंकि हमको बस एक पावरफुल टैंक चाहिए जिससे भाई अपन उस गॉडज़िला को निपटा सके, फिनिश कर सके। भाई यहाँ पर देखो फिर से चालू हो चुकी है आग की गोले की बारिश। भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, यहाँ पर कभी भी वो गॉडज़िला आ सकता है। गॉडज़िला आने से पहले हमको वो टैंक लाना पड़ेगा भाई यार, वरना वो गॉडज़िला हमको जला के राख कर देगा, फिर खा जाएगा भाई सब, मुंह में डालेगा और डायरेक्ट निकल जाएगा, पचकाएगा भी नहीं और डकार भी नहीं लेगा। तो भाई समझ रहे हो, तो यहाँ से फटाफट चलते मिलिट्री कैंप की तरफ जहाँ पर हमारा वो कर्नल वेट कर रहा है। कर्नल से मिलेंगे और उससे बात करके पूछेंगे कि हमको करना क्या है, भाई वो टैंक हमको कैसे मिल सकती है कि भाई जिससे अपन वो गॉडज़िला को निपटा सके। और तुम लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या
कर रहे हो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख देना गॉडजिला ओपी। मेरे को नहीं पता तुम्हारा कमेंट आ जाना चाहिए मेरे वीडियो के नीचे। और हम जा रहे हैं राइट नाउ मिलिट्री बेस की तरफ। ये देखो भाई गेट ऑफ इंडिया वाला टावर यहाँ पर और ये यहीं पे गिर रहा है आग के गोले। भाई सब तुम देख सकते हो भाई कितना ही डेंजर ये सीन है। तो फटाफट अपनी बाइक को भगाते हुए निकलते मिलिट्री कैंप की तरफ जहाँ पर हमारा वेट कर रहा है कर्नल। गाइस राइट नाउ हम पहुंच चुके मिलिट्री कैंप के बाहर और यहाँ पर आने के बाद तुम देख सकते हो जो आग के गोले की बारिश हो रही थी अभी फिलहाल तो रुक चुकी है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा हो कभी रुक जाती कभी अचानक से शुरू हो जाती है, बट छोड़ो कोई बात नहीं। ये रहा वो मिलिट्री कर्नल जिससे हमको बातचीत करनी है और उसके बाद हमको पता करना है कि क्या करना है। यही टैंक क्या लेके जाना है, मेरे को लगता है यही टैंक है जो हमको लेके जाना है। लेस्टर जो बात कर रहा था टैंक के बारे में शायद से ये वही टैंक है, हमको इसको लेके जाना है। तो राइट नाउ चलो कर्नल से बात करते और कर्नल को बोलते क्या यही वही टैंक है जिससे अपने को निपटाना है उस गॉडजिला को, क्योंकि भाई मेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि गॉडजिला को जाके फेस करने को, तो मैंने हिम्मत रखी और गॉडजिला को फेस करने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये जो कर्नल है वो बहुत ही खतरनाक कर्नल है, ये बहुत ही डेंजर हेड है मिलिट्री का। तो यहाँ पर इससे बातें कर रहा हूं, मुझे पता चल रहा है कि भाई ये वो टैंक नहीं है, हमको कहीं और ये टैंक को लेके जाना, उसके बाद हमको वो मिलेगा जिससे अपने को निपटाएगा वो गॉडजिला। तो ये जो टैंक है ना इसको अपने को लेके जाना है एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में देने के बाद वो अपने को एक मैजिकल पोर्टल देगा जिससे अपन एक मैजिकल वर्ल्ड में जाएंगे। उसके बाद अपने को एक मैजिकल रोबोट मिलेगा जिससे भाई अपन उस गॉडजिला को निपटा पाएंगे। जो उसके अंदर पावर है ना, वो मशीन के अंदर जो पावर है ना, उससे भाई कोई भी नहीं बच पाता है आज तक। तो भाई अपने को वो मैजिकल पोर्टल के अंदर जाने के बाद वो रोबोट को लेके आना है इस दुनिया में। उसके बाद अपने को रोबोट को एक्टिवेट करके रोबोट के अंदर जाना है, रोबोट को यूज करके गॉडजिला को निपटाना है। तो राइट नाउ गाइस मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ और ये देखो यार फिर से शुरू हो चुका है ये गोलाबारी। इतने ऊपर से स्पीड में गिर रहे आगों के गोले, भाई सोचो अगर ये अपने मुंह पे आके गिर गया तो भाई मेरा इतना अच्छा थोबड़ा खराब हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा थोबड़ा खराब हो जाए। तो यहाँ से फटाफट बढ़ते हैं अपन उस एयरपोर्ट की तरफ जहाँ पर जाना है अपने को उस मैजिकल पोर्टल के अंदर, और उसके बाद अपने को वो लाना है मैकेनिकल रोबोट जिससे भाई अपन डिफीट कर सकते हैं वो गॉडजिला को। और ये जो टैंक है ना अपने को उस माफिया को देना है, उसके बदले अपने को वो पोर्टल के अंदर जाने देगा। और मैं तुम लोग को बताता हूँ कर्नल से जब मेरी बात हो रही थी ना, कर्नल मुझे बोल रहा था जब अगर मैं मैजिकल पोर्टल के अंदर गया तो मेरा बहुत ही कम चांस है कि मैं रिटर्न आ पाऊंगा क्योंकि भाई वो मैजिकल पोर्टल गायब हो जाता है। तो भाई मेरे को ये भी डर लग रहा था अगर मैं मैजिकल पोर्टल के अंदर चले गया और मैं रिटर्न नहीं आ पाया तो मैं वहां पर क्या करूंगा, क्योंकि जो वो एरिया है ना वो बहुत ही डेंजर एरिया है जहां पर हम अभी जाने वाले, जो वो मैजिकल पोर्टल के थ्रू अपन अंदर घुसेंगे और निकलेंगे उस एंड पे जहां पर अपने को मैकेनिक रोबोट मिलने वाला है जो कि भाई बहुत डेंजर। राइट नाउ हम आ चुके एयरपोर्ट माफिया की बेस में, तुम देख सकते हो पेगासस जहां पर लिखा है ये वही एरिया है और यही जो है ना डेंजर माफिया है। इसको ये टैंक देना और उसके बाद अपने को ये एग्जिट मिल जाएगा पोर्टल के अंदर जाने का, फिर अपन चले जाएंगे मैजिकल वर्ल्ड में जहां से अपने को मैकेनिक रोबोट लेके आना है जिससे अपन को यूज करके डिफीट करना है गॉडजिला को। चलो इससे बातें करते हैं, इसको बोलते की तरह टैंक मैं लेके आ चुका हूं। तो गाइस बातें तो हमारी हो रही और ये फिर भी कह रहा है कि भाई अंदर जाने से पहले 100 बार सोच लो, क्योंकि आज तक कोई भी अंदर गया है ना वो मैकेनिक रोबोट लाने को वो कभी रिटर्न नहीं आ पाया है। तो भाई साहब फट गई थी मेरी ये सुनने के बाद कि भाई अभी तक कोई भी उस रोबोट को नहीं ला पाया है, हम पहले इंसान हो गए अगर रोबोट को लेके आ गए तो। भाई फिर भी अपने को हिम्मत चाहिए गॉडजिला को हराना है, तो मैंने बोला ठीक है मैं अंदर जाने के तैयार हूं। तुम यहां पर देखो भाई पोर्टल की इस तरफ तो भी सेम चीज है, बट ये पोर्टल के अंदर जो मैजिकल धुआं उड़ रहा है ना उससे ये अंदर जाने के बाद अपने को वो एरिया में चले जाएंगे मैजिकल वर्ल्ड में जहां पर आज तक कोई भी रिटर्न नहीं आ पाया। लेट्स गो गाइस, फिंगर क्रॉस करते और लेट्स गो जाते उस मैजिकल वर्ल्ड के अंदर जो अपने को मैजिकल रोबोट मिलने वाला है, मैकेनिक रोबोट जहां पर अपने को भाई डिफीट कर सकते हैं गॉडजिला। लेट्स गो गाइस, मैं आ चुका हूं। भाई उसने एकदम सही कहा था, यहां पर तुम देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट रुको, मेरे को कोई परछाई दिखाई दे रही, तुम लोगों को दिखाई दे रही कि नहीं आई डोंट नो, बट मुझे कुछ तो परछाई दिखाई दे रही है। क्या ये वही है? भाई अपना मन साफ है तो अपने को शायद से ये रोबोट मैकेनिक रोबोट को लेके जाने का मौका मिल सकता है। गाइस मेरे को लग रहा है ना गाइस मैं मिल चुका हूँ। ये गाइस ये मैकेनिक रोबोट, क्या ये मेरे को अपने अंदर बैठने देगा? यस गाइस इसने मेरे को अपने अंदर बैठने दे दिया है और मैं इसको भी शायद से कंट्रोल कर पा रहा हूँ और ये बहुत ही खतरनाक है। अगर उसको बाहर निकालते उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कितना डेंजर ये मैकेनिक रोबोट है। और भाई साहब तुमको दिखाऊ कैसे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, टनल नहीं दिख रहा। भाई मैजिकल पोर्टल ढूंढते और उसके बाद फटाफट निकलते इस जगह से। भाई फाइनली मैंने जैसे तैसे करके वो पोर्टल ढूंढ लिया और मैं यहाँ पर आ चुका और ये रहा वो मैकेनिक रोबोट जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और यही अपनी हेल्प करेगा गॉडजिला को मारने के लिए। तो लेट्स गो गाइस, मैं लेके इसको आ चुका और इसी से भाई अपने को गॉडजिला को मारना है। तो गॉडजिला का राइट नाउ डायरेक्शन मेरे को पता चल चुका है, वो बीच की तरफ है, अपने को फटाफट बीच की तरफ जाना है क्योंकि भाई मेरे को पता चला है गॉडजिला थोड़ा थक चुका है। तो यही मौका है अपने गॉडजिला को मारने का। बट यार गॉडजिला का जो ये पावर है, जो ये आग के गोले बरसा रहा है, इससे
अपने को बच के जाना पड़ेगा, वरना जो ये मैकेनिक रोबोट है ना ये यहाँ पर चटनी बन जाएगी इसी की। लेट्स गो गाइस, फटाफट चलते बीच की तरफ जहाँ पर अपने को निपटाना है। ये रहा गाइस गॉडज़िला, देखो गाइस कितना बड़ा है भाई साहब। ये यहाँ पर देखो गाइस निपट गया, मेरे को क्या लग रहा है गाइस मर गया। यस गाइस, तुम्हारे भाई का मैकेनिक रोबोट इतना डेंजर था कि भाई मेरे को लगा मर गया, ये तो फिर से खड़ा उठा है। बट मैं क्या, यस गाइस ये अटक गया, यहाँ पर कोई तो ब्लास्ट हुआ मैंने देखा। लगता है गाइस इसका पावर खत्म हो गया, फिर भी मैं इस पे फायर करता हूँ कि भाई जब तक मुझे लगी नहीं कि ये एंड हो चुका है तब तक अपन इसको मारेंगे। भाई साहब तुम यहाँ पर देखो, अपना मैकेनिक रोबोट सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ना हो भाई इसको मैं मैजिकल वर्ल्ड से लेके आया, बहुत ही खतरनाक, और ये कभी भी गायब हो सकता है। ये वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा कुछ देर के बाद। तो भाई मेरे को लग रहा है अपना काम गाइस हो चुका और ये गॉडज़िला हो चुका है, मर गया है। राइट ना उतर के देखते हैं। यस गाइस, तो तुम्हारे भाई ने गॉडज़िला को मार गिराया। तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी रहेगी कमेंट में जरूर बताना, आई होप मजा आ रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दिया करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, आई होप बहुत मजा आएगा आज की वीडियो में आप लोगों को।